जाती है। हुकूमत ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों को सरपरस्ती दे रखी है ताकि मुल्क में अफरा तफरी फैलाए रहे, दलितों को, दबो कुचलों को, मुसलमानों को सताया जाता रहे और ये राज करते रहे। हमारी मांग ये है और अपनी इस मांग पर हम अडिग है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर जब तक पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, मोनू मानेसर जैसे हत्यारों को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, हमारा ये आंदोलन इंशाल्लाह जारी रहेगा। जब तक नकाब के खिलाफ ये लोग काम करते रहेंगे, हिंदू मुसलमान दंगे कराने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। और इसमें मैं तन्हा नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ हिंदुस्तान के लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले, अपने देश के संविधान से मोहब्बत करने वाले, अपने देश के तिरंगे से मोहब्बत करने वाले तमाम लोग मेरे साथ हैं। और मैं अभी मैंने इनके दबाव में नहीं बल्कि ये साबित करने के लिए कि मैं देश के कानून का पालन करता हूँ, इसलिए मैंने अपने प्रोग्राम को स्थगित किया है। लेकिन ये प्रोग्राम इंशाल्लाह किया जाएगा और हमें हमारे राष्ट्रपति से हमारे देश के राष्ट्रपति से मिलने से जो हमें ज़बरदस्ती रोका गया है, इसका मतलब ये है कि आप नहीं चाहते कि राष्ट्रपति के संज्ञान में ज़मीनी जो हकीकत है वो आए। हम ज़मीनी हकीकत से अवगत कराना चाहते हैं और इसके लिए इसका हमें अधिकार है। हमें ये जो दमन किया जा रहा है, दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है, इसका विरोध हर हिंदू मुसलमान को बराबर से करना चाहिए। वरना आज मुझे दबाया गया है, आज मुझे रोका गया है, कल आपको भी रोका जा सकता है, कल दलितों को भी रोका जा सकता है, बाकी लोगों को भी, देश से प्यार करने वाले तमाम लोगों को ऐसी बेईमान सरकार के खिलाफ मुत्तहिद होना चाहिए। और नरेंद्र मोदी की बेईमानियों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये हम अज़्म करके खड़े हुए हैं और हमने फिलहाल रोक दिया है, लेकिन ये हमारी यात्रा जारी रहेगी। तो क्या वजह बताई गई है, बात कर रहे हैं किस तरह का असहयोग आंदोलन आप छेड़ने वाले हैं, क्या लॉ एंड ऑर्डर? मैंने कहा जब असहयोग आंदोलन छेड़ेंगे तो पूरी तफसील उसकी बताएंगे, अभी असहयोग की बात नहीं हुई है। असहयोग आंदोलन छेड़ा जा सकता है, जो जो तरीके हमने अंग्रेजों से गुलामी से निजात हासिल करने के लिए इख्तियार किए थे, संविधान ने उन तमाम तरीकों का हमें अधिकार दिया है। इन काले अंग्रेजों से नफरत की राजनीति करने वालों से आज़ादी हासिल करने के लिए वो तमाम तरीके इख्तियार किए जाएंगे, शांतिपूर्वक हमारा तमाम काम होगा। कानून हम किसी भी हालत में अपने हाथ में नहीं लेंगे, जो कानूनी तरीका है, जो शांतिपूर्वक तरीका हो सकता है वो तरीके इख्तियार किया जाएगा। मौलाना साहब, आपको नहीं लगता कि आप कानून व्यवस्था बिगाड़ने की बात कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से अगर आपको ज्ञापन ही देना था तो आप 11 लोग चले जाते, लेकिन आप जब देश के मुसलमानों से अपील करते हैं तो ऐसे में तो तमाम भीड़ जुटेगी और उसमें कुछ गलत लोग भी आ सकते हैं, जैसे आपकी भी छवि खराब हो सकती है, वो देश में दंगा फसाद कर सकते। बहुत सी यात्राएं निकलती है, रथ यात्राएं निकलती है, उन पर तो पाबंदी नहीं लगाई जाती। मेरे निकलने से माहौल खराब होने का अंदेशा है? मुझ में ऐसे कौन से सींग लगे हुए हैं कि मेरे निकलने से आपको अंदेशा है और बाकी रथ यात्राएं निकले, मुसलमानों पर हमला करने के लिए तमाम लोग निकले, इकट्ठे होकर निकले, वैलेंटाइन डे पर लड़कों और लड़कियों को मारा पीटा जाए, ये बजरंग दल वाले गुंडे और विश्व हिंदू परिषद वाले गुंडे आतंक फैलाते रहे, उससे माहौल बिगड़ने का अंदेशा नहीं होता है? हमारे शांतिपूर्वक यात्रा करने से माहौल बिगड़ने का अंदेशा होता है? आज आपको रोका गया, वजह क्या बताई गई? वजह तो ये सवाल तो आपको हुकूमत से करना चाहिए, प्रशासन से करना चाहिए। वजह सिर्फ इतनी है कि अच्छी बात, बेईमानी की मुखालफत इन्हें बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक सारे के सारे बेईमान बैठे हुए जो धोखा देकर, झूठ बोलकर, बेईमानी करके हमारे देश की सत्ता पर काबिज हो गए। हम अपनी राष्ट्रपति को अपनी शिकायत करने अगर जा रहे हैं, इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? और उन लोगों ने मुझे रोका है जिन्हें दिक्कत हो सकती है। अब वो दिन कौन सा है, कौन सा दिन डिसाइड किया है? मैं राष्ट्रपति से ये आशा करता हूँ, मुझे पूरा यकीन है
एक तो चूंकि वो महिला है, उनके दिल में हमदर्दी का जज्बा बाकियों के मुकाबले ज्यादा होगा, ममता का जज्बा होगा, और वो संवेदना के साथ पूरी हमदर्दी के साथ हमारी बात सुनेंगी भी और मुझे यकीन है कि उस पर अमल भी करेंगी। इसीलिए मुझे रोका गया है कि मैं अपनी राष्ट्रपति तक ना पहुंच सकूं। आपने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम राष्ट्र की बात की थी कि ऐसा नौजवान कर सकते हैं, आपके खिलाफ केस दर्ज हो गया, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। सवाल दुरुस्त कीजिए, मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे मुस्लिम राष्ट्र चाहिए या मुस्लिम राष्ट्र बनना चाहिए। मैंने चिंता व्यक्त की थी कि जिस तरह खालिस्तान की मांग उठ रही है, जिस तरह हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है, इस तरह मुस्लिम राष्ट्र की मांग भी उठ सकती है। मुझे अंदेशा है इस बात का, इस तरह बोडोलैंड की मांग भी उठ सकती है, इस तरह तमाम बिरादरी अपनी अपनी स्टेट अलग की मांग कर सकती है। तो गणराज है हमारा भारत, हम इसको किसी भी सूरत में टूटने नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में एकता और अखंडता बनी रहनी चाहिए, एक और बंटवारा हमारे मुल्क का हो ये मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने ये बात कही जिसको गलत आपके खिलाफ केस दर्ज हो गया, और दूसरे लोग हैं जो दिन रात हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों के खिलाफ असंवैधानिक है वो मांग, क्योंकि देश में लोकतंत्र है। ये आरएसएस वाले नरेंद्र मोदी इन लोगों को तय करना है कि देश में लोकतंत्र रहेगा या देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। आरएसएस वाले, कल मैंने सुना दत्तात्रेय होस बोले, वो कह रहे थे हिंदू राष्ट्र तो भारत है, पहले से है। तो अगर पहले से हिंदू राष्ट्र है तो आज हिंदू राष्ट्र की मांग उठाने वाले देश में अफरा तफरी का माहौल ही तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आरएसएस वाले पहले ही ये तय करें कि देश में हिंदू राष्ट्र देश को बनना चाहिए या पहले से बना हुआ है। उनके अपना ही कंडक्टरी बैन तो वो खुद ही दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अपनी ही बात का कंट्राडिक्शन करते हैं और खुद खामोश रहते हैं। नरेंद्र मोदी छोटे छोटे जो संगठन हैं, विश्व हिंदू परिषद जैसे, बजरंग दल जैसे, और इस किस्म के बहुत से बनाए हुए हैं, उनकी सरपरस्ती की जा रही है। मुसलमानों को दबाओ, दलितों को दबाओ, सताओ, कत्ल करो, उनकी बेटियों का रेप करो, बहका कर इश्क में फंसा कर उनको ले आओ, कत्ल कर डालो, और कातिलों को फूल मालाएं पहनाई जाती है, उनका स्वागत किया जाता है और उनकी हिमायत में जलसे करते हैं। धरने तिरंगा यात्रा निकालने के बाद कही आपको रोक दिया गया, लगातार मुंबई में रैलियां निकाली जा रही हैं जिसमें ये नारे लगाए जाते हैं कि ताज नगरी जाएंगे, बुरके वाली लाएंगे, किस तरीके से देखते हैं इन चीजों को, और आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में संविधान लेकर मैं यही बात कह रहा हूँ कि बिल्कुल बेईमानों की सरपरस्ती की जा रही है, क्योंकि हुकूमत बेईमानों की है। जो देश से प्यार करने वाले लोग हैं उनकी मुखालफत की जा रही है, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, दमन किया जा रहा है। तो जो बेईमानी की बात करे, मुसलमान का कत्ल कीजिए, आइए इनाम पाइए, फूलमालाओं से स्वागत किया जाएगा। मैं कहता हूं कन्हैया लाल की हत्या हुई, हमने सख्त मजम्मत की, और कोई एक मुसलमान का नाम नहीं आप ले सकते कि जिसने उस कन्हैया लाल की हत्या की मजम्मत ना की हो। लेकिन जुनैद और नासिर की हत्या की, हत्यारों का स्वागत किया जाता है, उन्हें हीरो का दर्जा दिया जाता है, ऐसे लोगों को चिन्हित कर जब तक उनके खिलाफ मुकदमा कायम नहीं किया जाएगा हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। हजरत, आपने दत्तात्रेय का नाम लिया आरएसएस की तरफ से, उन्होंने साफ तौर पर बोला कि देश के लिए बड़ा खतरा है मौलाना तौकीर आजम खान। देश के लिए खतरा कौन है? आम हिंदू जिस दिन ठंडे दिमाग से गौर करने लगेगा उस दिन ये पता चलेगा कि देश के लिए सबसे बड़ा खतरा अगर कोई है तो ये तमाम आतंकवादी संगठन है जो लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं और हिंदू समाज को गुमराह कर रहे हैं। पाकिस्तान वजूद में आया, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने नहीं बनाया, पाकिस्तान एक गुजराती हिंदू ने जो बराए नाम दिखावे के लिए मुसलमान हुआ, मोहम्मद अली जिना। मोहम्मद अली जिना मुसलमान नहीं था,
आरएसएस ने उसको मुसलमान जैसा पेश करवाया और आरएसएस के रिमोट के जरिए उसने पाकिस्तान की मुहिम चलाई और देश का हमारे बंटवारा हुआ। हिंदू राष्ट्र बनाने की नीयत से इन लोगों ने हमारे देश का आरएसएस बड़ी जिम्मेदार है। और तब बंटवारे के बाद भी जब हिंदू राष्ट्र नहीं बन सका तो इन्होंने गांधी जी की हत्या इस नीयत से करवाई कि मुसलमानों का कत्लेआम हो जाएगा कि गांधी जी की हत्या की गई है। वो उनकी साजिश भी नाकाम हो गई, लोगों को पता चल गया कि गोडसे ने हत्या की है। हुकूमत को ऐलान करवाना पड़ा लाउड स्पीकर के और रेडियो के जरिए कि ये इस वक्त वही लोग जिन्होंने गांधी जी की हत्या की, जिन्होंने पाकिस्तान बनवाने का काम किया, वही लोग आज हिंदू राष्ट्र की मांग करने का काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ देशद्रोह में मुकदमे कायम किए जाने चाहिए। सर, आपने बयान दिया कि जितना हिंदू थे उसका क्या सोर्स है? सोर्स आप देखिए, तारीख मौजूद है। आप देखिए, आप पढ़ेंगे सब पता चल जाएगा आपको। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं तारीख में जो मौजूद है वो बता रहा हूँ। तिरंगा यात्रा आपने तो अभी रोक दिया है, तो आगे कब प्लान है दोबारा? नहीं, फिलहाल मैंने रोका है। अब मैं देखता हूँ, बातचीत करता हूँ कि मैं अमन पूर्वक जाना चाहता हूँ, शांति पूर्वक जाना चाहता हूँ, कहीं किसी के लिए दिक्कत पैदा ना हो। सड़क के किनारे चलना है हमें, और कोई नारे नहीं लगाने हैं, कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं करना है, कोई शख्सियत नहीं दिखानी है। सड़क किनारे चलकर पैदल यात्रा करके हम अपने राष्ट्रपति तक पहुँचना चाहते हैं। तो मैं इन लोगों से बात करूंगा कि इसमें आप लोगों को क्या दिक्कत है। हो सकता है मैं समझाने में कुछ नाकाम रहा हूं, या इन लोगों की समझ में ना आई हो बात, इसलिए रोका है मुझे। वरना मैं ये समझता हूं कि मैं तो एक तरह से पुलिस की हिमायत में जा रहा हूं, क्योंकि पुलिस का इकबाल अगर ख़त्म हो गया, पुलिस का इकबाल बुलंद रहना चाहिए। पुलिस से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, कानून को किसी भी कीमत पर हाथ में नहीं लेना चाहिए। पुलिस और प्रशासन के हाथ में इंतज़ाम है, वो इंतज़ाम, उस इंतज़ाम में हमें मदाखलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन पुलिस अगर दमन की कार्रवाई करती है, ज़बरदस्ती एक समुदाय विशेष को, धर्म विशेष को अगर दबाने की कोशिश करती है, एक बिरादरी विशेष को अगर दबाने की कोशिश करती है, तो उसका कड़ा विरोध किया। अब आपकी कौन सी मांगे हैं, कितनी मांगे हैं, कौन सी मांगे हैं, कितनी मांगे हैं, और आप कब तक करेंगे? मांगे हमें राष्ट्रपति के सामने रखनी है, वो तमाम चीज़ें हमारी तैयार है। हमने राष्ट्रपति जी को अब अपना भेजा हुआ है, और 15 लोग सिर्फ राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे, उनकी आईडी भी हमने भेज दी है। और हमारी क्या क्या मांगे हैं, हमारी बहुत छोटी छोटी मांगे हैं कि देश में एकता भाईचारा कायम रखने की कोशिश की जाए। जो अफरा तफरी का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो कत्ल कर देते हैं उन पर जो नेम्ड हैं उनकी हिमायत ना की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। अगर आप बुलडोजर की कार्रवाई को ठीक मानते हो तो अभी तक उन लोगों के घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया जिन्होंने नासिर और जुनैद की हत्या की? तो छोटी छोटी मांगे हैं। ऐसे आतंकवादी तमाम संगठनों पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, जैसे PFI पर पाबंदी लगाई, जैसे सीमी पर पाबंदी लगाई, ऐसे इन आतंकवादी संगठनों पर पाबंदी जब तक नहीं लगेगी तब तक देश में शांति का माहौल नहीं बनाया जा सकता। 15 लोग आपके संगठन से होंगे या दूसरे संगठन से भी होंगे? मैंने पूरे हिंदुस्तान से बुलाए हैं, पूरे हिंदुस्तान से, और मुख्तलिफ सूबों से लोग आ रहे हैं। 20 तारीख को इंशाल्लाह वो दिल्ली पहुंचेंगे, और अगर हमें समय मिल जाता है तो हम 20 तारीख को इंशाल्लाह ज्ञापन राष्ट्रपति को देंगे। सर, आपने कहा कि प्रधानमंत्री बेईमान है, किस तरह से बेईमान है ये आप लोग देखिए। मैंने इल्ज़ाम लगाया है, उसको गलत साबित करना आपका काम है, आप लोगों को देखना चाहिए। आप लोगों की नज़र में सारी उनकी बेईमानियाँ हैं जिनको आप लोग मुझसे जितने इंटरव्यू लेके जा रहे हो, आप तमाम को ये कहोगे कि यह है वो आतंकवादी मौलाना। रेड सर्किल में मुझे दिखाओगे, बेईमानों को नहीं दिखाओगे, जबकि आपकी, आपके जिम्मेदार चैनल की ये जिम्मेदारी है कि जो बेईमान है उनकी बेईमानी को उजागर किया जाए, और जो देश प्रेमी है उनको, उनका स्वागत किया जाना चाहिए ताकि और लोगों के दिलों में देश प्रेम की भावना पैदा हो। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग
देश हित में काम कर रहे हैं, बल्कि सरकार हित में और नरेंद्र मोदी हित में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि अल्लाह के वास्ते थोड़ा अपने देश के बारे में भी सोचो। नरेंद्र मोदी पूरे देश को एक थैले में ले करने के बाद छोड़ के जाने वाले हैं। अगर अपने देश को एक थैले में नहीं चाहते हो तो आप लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी।